फ्रेडरिक नोमन फाउंडेशन फॉर फ्रीडम पाकिस्तान ने एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें सियासी इस्तेकाम के मसाइल पर बात की गई। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव और पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी के इश्तराक से किया गया जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सेनेट के साबिक चेयरमैन रजा रबानी ने इफ्तिताही इजलास की सदारत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जाहिद अब्दुल्ला ने एक जामे मकाला पेश किया। इस सेशन के अंदर डॉक्टर आदिल ने दूसरा मकाला पेश किया जिसका उनवान पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के तजारती इम्कान था। सेनेटर वलीद इकबाल और सेनेटर मुशाहिद हुसैन समेत मुकर्रीन ने इंतखाबात के अहम किरदार के बारे में अपने ख्याल पेश किए। मिस्टर फिलिप गॉन्स ने तजारत और इकदार के दरमियान अंदरूनी ताल्लुक पर रोशनी डाली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी